नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं वसई तालुका में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, ये तस्वीरें हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति जी कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों से आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि ये तस्वीरें क्या कहती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ये तस्वीरों कहाँ की हैं और क्या है पूरा मामला। वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति जी कार्य क्षेत्र अंतर्गत हुए अवैध निर्माणों को प्रभाग समिति जी द्वारा ध्वस्त किया गया, ये उनकी ये तस्वीरें हैं। वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल कुमार पवार व अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल के आदेशानुसार प्रभाग समिति जी द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान कामन स्थित बेलकनी सर्वे नंबर 280 में 10,000 वर्ग फुट, कामन के बेलकनी सर्वे नंबर 78 में 5,000 वर्ग फुट में बने औद्योगिक गालों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही साथ चिंचोटी सर्वे नंबर 39 में 8 रूम लगभग 2400 वर्ग फुट का अवैध बांधकाम ध्वस्त किया गया। ससुन नौघर स्थित मुंबई से उड़पी होटल के पीछे बने 3 रूम और 12 प्लिंथ कुल मिलाकर 4,500 वर्ग फुट बांधकाम को ध्वस्त किया गया। इसके बाद जूहीचंद स्थित मात्रेवाड़ी में 9 रूम व 14 प्लिंथ कुल मिलाकर 5,750 वर्ग फुट लगभग अवैध बांधकामों को ध्वस्त किया गया। आपको बताते चले कि ये पूरे जो अवैध बांधकाम है उनको ही ध्वस्त किया गया है। उक्त कार्रवाई के दौरान लगभग 27,650 वर्ग फुट अवैध बांधकाम को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रभाग समिति जी की प्रभारी सह आयुक्ता नीलम निजाई, कौस्तुभ तामोरे, कनिष्ठ अभियंता विजय नरगे, अतिक्रमण अधिकारी, मजदूर व कर्मचारी इस दौरान उपस्थित रहे। पालिका प्रभाग समिति जी के कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार मनपा का बुलडोजर चल रहा है, किंतु अन्य प्रभाग जैसे प्रभाग समिति एफ सी और भी अन्य प्रभाग हैं जहां पर भी अतिक्रमण हो रहे हैं और भारी पैमाने पर अतिक्रमण हो रहे हैं, किंतु वहां पर मनपा का बुलडोजर खामोश है। इससे यह प्रतीत होता है और लोगों में चर्चा भी है कि शायद इन वार्ड जो है प्रभाग समितियां हैं जो भी वहां के कार्य क्षेत्र के जो अधिकारी हैं शायद वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तभी तो उनके वार्ड में सिर्फ अवैध निर्माण होते दिखाई देते हैं, किंतु अभी तक कोरोना काल से एक बार भी उनका बुलडोजर ना ही चला है ना ही चलने की या चलाने की कोई कोशिश अधिकारियों द्वारा की गई है।